आतंकी हमलों के बीच आज से शुरू होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा, सुरक्षा को लेकर हालात की करेंगे समीक्षा। गृहमंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं अमित शाह, 3 दिनों तक बैठकों और कार्यक्रमों का प्लान तैयार। गृहमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर, जांच और तलाशी अभियान में सैकड़ों दोपहिया वाहन जब्त। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर श्रीनगर और पुलवामा के 15 इलाकों में मोबाइल सेवा और इंटरनेट बंद। डल झील से लेकर अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अर्धसैनिक बलों की करीब 25 कंपनियां तैनात। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियों की तैनाती, शिकारे में तैनात किए गए हैं शार्प शूटर। संदिग्ध को दूर से ही मार गिराने के पूरे इंतजाम, सभी संवेदनशील जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। 24 अक्टूबर को जम्मू में आईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृहमंत्री, शाम में होगी अमित शाह के श्रीनगर वापसी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई हार्डकोर आतंकियों की दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्टिंग, आगरा पहुंचाया गया 26 दहशतगर्दों का ग्रुप। पुंछ और राजौरी में 12वें दिन जारी है सेना का ऑपरेशन, कार्रवाई के दौरान आईडी से भरे 2 बक्से बरामद। कश्मीर में दूसरे दिन भी जारी रही एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश में शामिल 8 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में विलेज डिफेंस कमेटी के लिए फौज ने चलाया ट्रेनिंग सेशन, दुश्मनों की साजिश से बचने के सिखाए गुर। पाक अधिकृत कश्मीर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, मुजफ्फराबाद में पीओके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ लगे आजादी के नारे। पंजाब की सियासी जंग में कैप्टन की पाकिस्तानी महिला मित्र रूसा आलम की एंट्री, डिप्टी सीएम सुजिंदर रंधावा ने दिया एसआई लिंक की जांच के आदेश। देखो जेड़े मैं गेट करा के हुण इन्हां ने कल दिया जदों दी गल्लां कीतीआं कि आईएसआई तो खतरा ते ओ बीबी जी दा वी हुण देखांगे कि उन्हां दा की ऑपरेशन सी। सुखजिंदर पर अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा 16 साल से सरकारी क्लियरेंस पर भारत आ रही है रूसा, क्या एनडीए और यूपीए सबकी आईएसआई से है मिली भगत। अमरिंदर सिंह ने सुखजिंदर रंधावा पर लगाया निजी हमलों का आरोप, पूछा बड़गड़ी गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी केस और ड्रग्स केस पर आपके वादों का क्या हुआ। सुखजिंदर के खिलाफ कैप्टन को मिला अकाली दल का साथ, रूसा आलम पर सुखबीर सिंह बादल ने पूछे तर्क सवाल। ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਹਾਰ ਮੇ ਟੂਟ ਗਿਆ ਆਰਜੇਡੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਗਠਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਭਗਚਰਨ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀ 40 ਸੀਟੋਂ ਪਰ ਲੜੇਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕੋ ਤੋੜਾ तो हम 2 सीट पे लड़ रहा है, कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। कांग्रेस पर आरजेडी का पलटवार, मृत्युंजय तिवारी बोले बीजेपी के प्रति ज्यादा दिख रही है भगचरण दास की भक्ति। भगचरण दास जी, बीजेपी जेडीयू की भक्ति कम कीजिए और जो असली लड़ाई है उसे कमजोर मत कीजिए। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा मुझे मेरे परिवार और पार्टी से अलग करने की साजिश रच रहे हैं सीएम। ड्रग्स केस में लगातार दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछताछ, एनसीबी ने करीब 4 घंटे तक दागे सवाल। एनसीबी ने अनन्या से आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट पर मांगे जवाब, सोमवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड, अधिकारियों को कुछ दस्तावेज सौंपने के बाद वापस लौटे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया धमकी भरे फोन कॉल्स का आरोप, कहा समीर वानखेड़े को टारगेट नहीं करने की दी गई चेतावनी। पटना में कांग्रेस ने आयोजित किया कन्हैया कुमार का स्वागत समारोह, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल भी रहे मौजूद। स्वागत समारोह में कन्हैया कुमार ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर साधा निशाना, बोले लठैत की भाषा बोलता है पढ़ा लिखा शख्स। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया बिहार को, बिहार कांग्रेस पार्टी ने बनाया, इस बात को हम गर्व से स्वीकार करते हैं।
विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी के विरोध में पार्टी ने खड़ा किया है उम्मीदवार। बिहार में कांग्रेस का समर्थन करेंगे पप्पू यादव। तेजस्वी पर साधा निशाना, बोले मूर्ख की तरह हो रही है राजनीति। गुजरात के कांग्रेस नेताओं से मिले राहुल गांधी, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर माथापच्ची। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात। समाजवादी पार्टी बोली कोई राजनीतिक मायने नहीं। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच हरीश रावत से छीना सूबे का प्रभार। राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी को मिली जिम्मेदारी। पिछली सरकारों पर जमकर बरसे यूपी के सीएम योगी। यादव जाति सम्मेलन में कहा परिवार के साथ आतंकवादियों की थी परवाह। उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर मठों पर हमले होते थे। त्रिपुरा के अटमाली में तोड़ी गई टीएमसी सांसद सुष्मिता देव के काफिले की गाड़ियां। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। टीएमसी ने की सुष्मिता देव पर हमले की निंदा, कहा और ज्यादा मजबूत होगी पार्टी। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया है चुनावी अभियान, पूरे राज्य का दौरा करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। गोवा में चुनाव की तैयारी में जुटी तृणमूल कांग्रेस, अगले हफ्ते दो दिनों के दौरे पर पणजी पहुंच रही है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल ने ममता सरकार पर फिर उठाई उंगली, कहा अभी तक नहीं मिली 2000 करोड़ के कोरोना खरीद की रिपोर्ट। सोनीपत कोर्ट ने निहंग सिख नवीन को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कुंडली बॉर्डर पर मुर्गे सप्लाई करने वाले शख्स से मारपीट का आरोप। पंजाब के संगरूर में रोके गए हरियाणा, यूपी और बिहार से आने वाले धान से लदे ट्रक, सरकार के नए नियमों का दिया गया हवाला। लखीमपुर कांड के चश्मदीद रहे किसानों ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान, केंद्रीय मंत्री के बेटे को गाड़ी से उतरकर खेतों में भागने की कही बात। शुक्रवार को 35 पैसे के इजाफे के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लगाई हैट्रिक, तीन दिन में एक रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। अक्टूबर में अब तक पेट्रोल 5.25 रुपए प्रति लीटर महंगा, डीजल के दाम अक्टूबर में 5.25 रुपए प्रति लीटर बढ़े। 25 अक्टूबर को वाराणसी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे कई योजनाओं की सौगात। पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद राजस्थान कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी, हरीश रावत ने कहा एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले में विश्वास। गुना में खाद के लिए लंबी कतारें, अंगवस्त्र और दस्तावेज सड़क पर रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान। यूपी के बांदा में लव जिहाद का मामला, हिंदू परिवार ने मुस्लिम युवक पर जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। दुर्गा पूजा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से एक्शन में पुलिस प्रशासन, आसनसोल में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रतिबंधित पटाखों की खेप बरामद, एक युवक गिरफ्तार। गुरुग्राम में भी पटाखों पर प्रतिबंध के बीच पुलिस की रेड, भारी मात्रा में पटाखे बरामद, एक्सप्लोसिव एक्ट में केस दर्ज। अलीगढ़ में रेलवे रोड पर युवक से बाइक छीनने की कोशिश, विरोध करने पर गोली मारकर फरार हुए बदमाश। पुणे में टैंकर ने ट्रैवलर को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 घायल। झारखंड के पाकुड़ में जिला टास्क फोर्स ने अवैध खदानों में मारा छापा, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बक्सर में हार्डकोर नक्सली संतोष पासवान 2 साथियों के साथ गिरफ्तार, हत्या लूट और डकैती के कई मामलों में आरोपी। लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, 8 बैंक खातों का खुलासा, गहने और कैश बरामद। रायसेन में जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, दूसरा घायल, परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। फरीदाबाद में मां ने की बच्चा चोरी की खोज, 3 महीने की बच्ची का अपहरण के मामले में 2 महिलाओं सहित 3 गिरफ्तार। पटनी में उपद्रव और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, हाथों में तलवार और हथियार लिए नजर आए लोग, दोनों गुटों पर केस दर्ज। ग्वालियर में इवेंट मैनेजर महिला से चेन छीनकर भागे बदमाश, झपट मारों में एक महिला शामिल। पानीपत में नकली मिल्क केक बनाने की शिकायत पर फैक्ट्री पर छापा। इंदौर में किराना कारोबारी का हाथ काटकर फरार हुए बदमाश, 2 महीने पहले कारोबारी ने एक शराबी को मारा था तमाचा। आगरा में खेत पर कब्जे से परेशान महिला ने खेत में ही ली समाधि, वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप, रिटायर्ड कर्नल पर कब्जे का आरोप।
बारामती में महिला को शैतान का अवतार बताकर नग्न पूजा और बलि देने की कोशिश, तांत्रिक सहित ससुराल के 5 लोग गिरफ्तार। अमरावती में इंसान की बेटी ने की आत्महत्या, पढ़ाई के खर्च में मां बाप को बचाने के लिए दी जान, फसल बर्बाद होने से बिगड़े आर्थिक हालात। पटना के दंडुआ में चुनाव प्रचार रोकने पहुंची पुलिस पर हमला, जमकर पथराव, फायरिंग में पुलिसकर्मियों सहित कई घायल। मुरादाबाद में फर्जी दस्तावेज पर कोर्ट से अपराधियों को जमानत दिलाने वाले गिरोह का शिकंजा, सरगना सहित 4 लोग गिरफ्तार। कोलकाता के गरियाहाट डबर मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान गुनाह कबूल। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी में फंसे 80 लोगों का रेस्क्यू, आर्मी की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में ट्रैकिंग के लिए गए 11 में से 2 सैलानियों की मौत, 5 के शव मिले, पहाड़ की चोटी पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर पर ट्रैकिंग के लिए गए 42 पर्यटकों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। चमोली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपदा के दौरान लापता हुए 2 युवकों के परिवार वालों से की मुलाकात। नेपाल सीमा पर महाकाली नदी के तेज बहाव में बच्चे के साथ फंसे 5 लोग, नेपाल की सेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। उत्तराखंड त्रासदी से बैतूल में मातम, नैनीताल गए 10 मजदूरों की लैंडस्लाइड के दौरान मलबे में दबने से मौत। मंदसौर बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसिक पानी की वजह से सरयू में उफान, अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल सब कुछ डूबा। गोडा में बाढ़ से भारी तबाही, दर्जनों गांव में भरा पानी, फसलें बर्बाद। समस्तीपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 8,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, मुआवजे के लिए 125 करोड़ का प्रस्ताव। यूपी के सिंचाई मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों के साथ की पीड़ितों के लिए पहुंचाई जा रही मदद की समीक्षा। मौसम खुलने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, हर रोज दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं करीब 15,000 श्रद्धालु। केदारनाथ की चोटी पर जमा है बर्फ की मोटी चादर, बर्फीली हवाओं ने केदार घाटी में बढ़ाई ठंड। चमोली में बर्फ की मोटी चादर में लिपटा है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, बंद हो गए कपाट। असम के बारपेटा में बेकी नदी के किनारे कटाव ने बढ़ाई मुश्किलें, लोगों ने किया प्रदर्शन। महामारी की मार झेलने के बाद भुवनेश्वर में कुम्हार समाज को दिवाली का इंतजार, फेस्टिव सीजन में दिए की अच्छी बिक्री की उम्मीद। करवा चौथ की खरीदारी के लिए सोलन के बाजारों में उमड़ी भारी भीड़, कारोबारी के चेहरों पर रौनक। राज के बेटे ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 1 करोड़ रुपए, बेबाकी से दिए बिग बी के 15 सवालों के जवाब। महाराष्ट्र के वाशी में मस्जिद में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, 2 घंटे में 120 लोगों को लगा टीका। दिल्ली के एक होटल में गुलशन ग्रोवर ने लॉन्च किया बैडमैन LLP के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, कंपनी की MD ने कहा पूरी तरह से आयुर्वेदिक। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हम फुली इसे एंड्रोस करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदा को लाने वाले लीडर हम हैं। और कोरोना की वजह से रद्द हुए भारत इंग्लैंड एग्जिबिशन टेस्ट की अगली तारीख तय, अब 1 जुलाई 2022 को खेला जाएगा मैच, दोनों क्रिकेट बोर्ड का साझा फैसला। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के पहले दौर के मैच में नीदरलैंड्स पर हावे श्रीलंका, पूरी टीम 100 रन के भीतर आउट, अश्रंगा ने झटके 3 विकेट। 24 अक्टूबर को होगा T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल मुकाबला, तैयार है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। नेपाल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बड़ी तबाही, 100 के पार पहुंची मरने वालों की संख्या, लापता 40 लोगों की तलाश जारी। रूस ने अमेरिका से की अफगानिस्तान के पीस फंड को रिलीज करने की मांग, पुतिन बोले अफगानियों को पैसे की सख्त जरूरत।